सलामकुम एंड वेलकम टू द 39th एपिसोड ऑफ टेक वीकेंड। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटरनेशनल जो लोकल न्यूज़ है वो देता हूँ। अब अनबॉक्सिंग इस हेडफोन की करनी थी मगर मैं दो वीडियो भी शूट करने वाला हूँ, तो ज़रा चलाना मैं ज़रा टेक न्यूज़ को मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे ऐड करने वाला हूँ शायद अगले हफ्ते से। तो ये कुछ सीन वगैरह है और दो दो वीडियोज़ होंगी इस चैनल के ऊपर, तो ये कुछ मेरा प्लान वगैरह है। एनीवे हेडफोन मैं साइड पे रखूँ और पहला अपडेट जो है वो देख ले, तो भाई वो आ रहा है जी गवर्नमेंट से रिलेटेड और गवर्नमेंट पेपल वालों को कह रही है भाईजान पाकिस्तान आ जाओ। और पेपल वाले मेरी समझ से बाहर है क्यों पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि हमारे हालात ही नहीं हैं। और आईटी मिनिस्टर मेरे ख्याल से हर किसी यूथ को ना शायद खुश करने का चक्कर में कि कोई बंदा आया और वो हर कंपनी को जाके उंगली कर रहा है कि भाई के आज वो पाकिस्तान, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या कौन रहा है। तो कोई ये कुछ अपडेट आ रहा है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा और आना गुना कोई है नहीं अभी। बहरहाल अगला अपडेट देख ले, तो वो भाई आ रहा है जी सोशल मीडिया रूल से रिलेटेड। ये भी वो आईटी मिनिस्टर जो नहीं अभी के, वो कह रहे हैं जी अक्टूबर के अंदर जो है वो फाइनल हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या नए आईटी रूल्स जो हैं वो आते हैं, सोशल मीडिया के क्या रूल्स वगैरह होते हैं, और तब तक ये लोग रहते भी हैं या नहीं रहते और इम्प्लीमेंट होते भी हैं या नहीं होते, देखते हैं। बहरहाल ये कुछ अगली अपडेट है आईटी मिनिस्टर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखो अभी क्या जो है वो रूल्स वगैरह निकल के आते हैं। बहरहाल अपना थर्ड अपडेट देख लें, तो वो आ रहा है जी भाई पीएम साहब से। और पीएम साहब जो है वो फुल टाइम पुश कर रहे हैं थर को, जो है थर को उनका जो वो कह लो साइट नहीं है जहाँ पे कोयला निकलता है उसको रेलवे से कनेक्ट करने का। और चलो ये एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है जिससे जो कोयला एटलीस्ट उससे निकल के सस्ती बिजली हमें दे दें। हालांकि पता नहीं कितने 100 साल के रिजर्व्स हैं और फिर भी बिजली जो है वो इतनी महंगी है, तो ये भाई सारा हिसाब किताब है। और बाहर कोयला एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं मगर इतने हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये कुछ अपडेट आ रहा है भाई यहाँ से अपना। बहरहाल फोर्थ अपडेट देख लें, मैं कोयले का सोच में पड़ गया हूँ यार कसम से। फोर्थ अपडेट देख लें, तो वो भाई आ रही है जी जैज़ से रिलेटेड। और जैज़ ने जो है वो साइबर सिक्योरिटी की जो है वो सर्टिफिकेशन ले ली है ISO से। और सर्टिफिकेशन ले ली है ठीक है भाई, आपकी ऐप नहीं चलती, मुझे अपने डाटा का जो अमाउंट है वो नहीं पता लग रही कि महीने के कितने रह गए हैं, तो पता नहीं किस हिसाब से ये लोग चलते हैं। 4G वगैरह ठीक नहीं आता, अलग से सर्टिफिकेशन ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करें, कोई एग्रीमेंट लेना होगा या कोई बस करना होगा, तो उस चक्कर में जो है इन्होंने ये ले ली है। तो ये कुछ भाई अपडेट आ रहा है जी जैज़ से तरफ से, इन्होंने जो है वो डाटा सिक्योरिटी की अपडेट ले ली है। उसके अलावा हमारा अगला अपडेट जो है वो भाई आ रहा है जी माता पायन से। और माता पायन यानी कि फेसबुक वाले जो है वहाँ से रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन किया ना, तो अब इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना वो एड्स वगैरह भर भर के आप लोगों को आएंगे, क्योंकि मोस्टली जो ट्रैफिक है वहाँ पे शिफ्ट हो गई है, यूरोप हो या US की साइड हो, मोस्टली लोग जो है ना वो इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रा चक्कर वगैरह है। और वहाँ से हुई है ना तो इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर भी जल्दी जो है वो टपक पड़ना है, तो देखो अभी क्या इनकी प्लानिंग वगैरह होती है, फेसबुक को किस तरह से जो है रिवाइव वगैरह करने का कुछ करते हैं, क्योंकि वीडियोस वगैरह के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी कुछ ये कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये कुछ अपडेट आ रहा है मेटा की तरफ से। और भाई हमारा जो कह लो सेकंड लास्ट अपडेट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो आ रहा है भाई सीधा इंडिया से। और एप्पल ने जो है अपने एयरपोर्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी है इंडिया के अंदर, और अच्छी चीज़ है, ये लोग डिज़र्व करते हैं, इन्होंने काम किया है। और बाकी पता नहीं क्यों लोग बुरा समझते हैं मगर जो है हमारे साथ जो बुरा हुआ वो हमारे साथ हमारी गलतियों की वजह से हुआ है, तो ये भाई कुछ है सीन वगैरह। और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, काश पाकिस्तान के अंदर भी हम चीज़ें मंगा सकते तो हमें सस्ते पड़ते, तो ये कुछ है अगर ट्रेड वगैरह स्टार्ट हो तो वो भी कुछ हो सकता है। एनीवे अच्छी अपडेट है। और हमारा अपना जो लास्ट अपडेट है उसको देख लें, तो वो आ रही है भाई जी हमारे पिछले हमसाए यानी चाइना से। और इन्होंने बड़ा अजीब किस्म का जो है ना वो सीन निकाला है, इन्होंने जो है वो अक्टूबर के एंड तक जो कहा है कि भाई जितने भी जो ई सिगरेट्स हैं ना उसके अंदर जो ये फ्रूट्स वाले फ्लेवर वाले जो फ्लेवरिंग यूज़ होती है जिसमें फ्रूट ऐड हुए होते हैं उनको वो कह रहे हैं बैन कर देना, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये इनका कुछ अनोखा सा जो है वो अपडेट निकल के आया, पता नहीं इसके पीछे क्या इनका दिमाग वगैरह है, बस कह दिया सो कह दिया है, और वहाँ की पार्टी को भी आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये भाई है कुछ आज के अपडेट्स वगैरह। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इसको मैं रेगुलर बेसिस पे ऐड करूँ या ना करूँ,
और हेडफोन की जो वीडियो वो कल आ जाएगी। तो ये कुछ थी अपडेट्स, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कोई और वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करते हुए। अल्लाह हाफिज़।